इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यूपी में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार यूपी में बदलाव होगा, अब सत्ता मिली तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, साथ ही हर फसल पर एमएसपी देंगे। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे, लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलन करता है, जो गन्ना का भुगतान है समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो।